अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है एफएससी का यानी कि फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का पास्ट पेपर, और पास्ट पेपर शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि स्टूडेंट्स को जो बोर्ड के पास्ट पेपर्स हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स याद करके अपने पेपर के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ 2018 के पेपर की जो सॉल्वड हलशुदा मारूजी पेपर है वो भी शेयर करूंगा, आप मारूजी को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अभी आप ये क्वेश्चंस देख लें, ठीक है? ये आप देखते जाएं क्वेश्चंस, स्नैपशॉट ले लें, हर क्वेश्चन के दो नंबर होंगे, 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो का हिस्सा है उसमें मैं आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव पेपर है हलशुदा वो शेयर करूंगा। ये जितने भी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपने डियर स्टूडेंट्स तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है, लिहाजा आपने अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है। सेक्शन 2 है जी, लॉन्ग क्वेश्चंस है, आपने 3 सवाल हल करने हैं इंशाअल्लाह हिस्से में से लॉन्ग क्वेश्चंस के। ए जूज है जी, बी जूज है, इसी तरह छठे क्वेश्चन के भी 2 जूज हैं, 7वें के भी 2 जूज हैं, और इसी तरह 8वें के भी 2 जूस हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से देख लें, और आप इन जो पास पेपर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हर सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के पेपर्स पढ़े होंगे हलशुदा मारूजी के साथ, आपने इन तमाम को लाजमी याद करना है, ठीक है जी? और ए प्लस ग्रेड में आप इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर ये सारा मटेरियल याद करते हैं तो ए प्लस ग्रेड में आप हर सब्जेक्ट में कामयाब हो जाएंगे ईजीली, को मुश्किल बात ही नहीं है ए प्लस ग्रेड। अब हम जी वीडियो के इस हिस्से में जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये देखें, फिज़िक्स है जी, 11वीं क्लास है, 11th क्लास, ठीक है जी, और ऑब्जेक्टिव पेपर है न्यू स्कीम का, ठीक है जी, टोटल नंबर 17 होंगे। अब आप क्वेश्चन देख लें जी, अ लाइट शेयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है जी, सी जवाब दुरुस्त है। दूसरा एम सी क्यू देख लें जी, इसका दुरुस्त जवाब है पार्टिकल फिजिक्स। तीसरा जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विद इटसेल्फ रिजल्ट्स, बी जवाब दुरुस्त है, ठीक है जी। चौथा जो एमसीक्यू है इसका, डायनामिक इक्विलिब्रियम जवाब दुरुस्त है, बी। पांचवा जो एमसीक्यू है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल व्हेन इट्स प्रोजेक्टेड, डी जवाब दुरुस्त है, ठीक है जी। इसी तरह छठा क्वेश्चन है जी, अ लेयर ऑफ रॉक होल्डिंग वाटर दैट अलाउज वाटर टू परकुलेट थ्रू इट वाज इट विद प्रेशर इज कॉल्ड एक्विफायर। सातवां जी, बी जवाब दुरुस्त है। सातवां एमसीक्यू है जी, इसका ए जवाब दुरुस्त है। इसी तरह आठवां एमसीक्यू है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, क्या है जी, बी जवाब दुरुस्त है। इसी तरह जी नौवां एमसीक्यू है जी, इसका कौन सा जवाब दुरुस्त है, इसका सी जवाब दुरुस्त है। इसी तरह दसवां एमसीक्यू है जी, इसका भी सी जवाब दुरुस्त है। इसी तरह जी ग्यारहवां एमसीक्यू है जी, इसका बी जवाब दुरुस्त है। इसी तरह बारहवां एमसीक्यू है जी, इसका ए जवाब दुरुस्त है। तेरहवां जी जो एमसीक्यू, इसका बी जवाब दुरुस्त है। चौदहवां जो एमसीक्यू है, इसका ए जवाब दुरुस्त है। पंद्रहवां जो एमसीक्यू है, इसका भी ए जवाब दुरुस्त है। सोलहवां जो एमसीक्यू है, इसका भी ए जवाब दुरुस्त है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सी जवाब दुरुस्त है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था
ग्यारहवीं क्लास का एफएससी का फिजिक्स का पेपर। इस वीडियो में हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों अच्छे तरीके से देखे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स और सॉल्वड ऑब्जेक्टिव पेपर्स पर मबनी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बरवक्त पहुँच जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको A+ ग्रेड के साथ कामयाबी अता करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।